74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहरसा स्टेडियम में मुख्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम आयोजन किया गया। झंडोत्तोलन से पूर्व कोसी परमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार ने स्क्वाड वाहन से स्टेडियम में परेड इंडक्शन किया, जिसके बाद झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कोसी रेंज के DIG सुरेश प्रसाद चौधरी, जिला पदाधिकारी कौशल कुमार, SP राकेश कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने झंडोत्तोलन किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP राकेश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। झंडोत्तोलन के बाद कोसी परमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार ने बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। पूरे देश में लगे लॉकडाउन के अवधि में 12 राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगों को लाने के लिए हजारों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिससे लगभग 25 लाख से अधिक प्रवासी यहाँ पहुँचे। इन प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके गृह जिला तक पहुँचाया गया। मार्च 2020 से 15 जून 2020 तक संचालित क्वारंटाइन केंद्रों में प्रवासियों को आवासित किया गया। उस अवधि में आवासित लोगों को भौतिक भोजन, दवा, मास्क, बिजली की किट, स्वास्थ्य रक्षक की गई तथा कुशलता के अनुरूप मनरेगा से रोजगार देकर कोसी प्रमंडल के तीनों जिले के द्वारा राज्य में उल्लेखनीय कार्य किया गया। कोरोना काल में कोरोना सहायता राशि से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक राहत के रूप में 1,000 रुपया प्रत्येक राशन कार्डधारी को DBT के माध्यम से खातों में भेजा गया। साथ ही सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त में प्रति यूनिट 5 किलो चावल एवं 1 किलो दाल दिया जा रहा है, जो नवंबर 2020 तक दिया जाएगा। कोरोना टेस्टिंग के तीव्र गति देते हुए ब्रह्मंडल में जिला स्तर से प्रखंड स्तर तक 44 जांच